अगर हम देश को संवार दें, हम आदमी हैं, आदमी को प्यार करें, ये हम लोगों के लिए बहुत पहले से गीत चली आ रही है। लेकिन आज एक दूसरी गीत चल पड़ी है, एक दूसरी जो धारा है वो भी एक गीत गा रहा है कि हम आदमी हैं, आओ मिल करके हम देश को चला दें, हम आदमी हैं, आदमी को मार दें। ये भाजपा के गीत चल रहा है, इसलिए हम ये बात आपसे कह दिए, यही फर्क है, यही फर्क है इस चुनाव में कि एक तरफ हम देश के बनाने के लिए, एक तरफ हम सबको शांति सुरक्षा और सम्मान देने के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी जो धारा लड़ रही है कि वो देश को जलाने के लिए, वो देश को फांटने के लिए, देश के लोगों को जीवन तबाह करने के लिए लड़ रही है। ये फर्क आपको करना होगा, और यही हम जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो ये चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ने, सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि अभी चुनाव को रोका जाना चाहिए। हम लोगों ने विधानसभा में इस सवाल को जो नाम तरीके से कहा था, नीतीश जी के सामने कहा था कि नीतीश जी अभी चुनाव को रोका जाना चाहिए, इसलिए कि कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है, भयंकर महामारी चल रहा है, जिसके डर से खुद नीतीश जी 6 महीनों तक घरों में छुपे रहे और जनता बिहार में तरह तरह के परेशानियों से तड़पाती रही और वो घर में खुद छुपे थे। लेकिन ये बात नहीं वो माने, वही चुनाव जनता पर दोष दिया कि नहीं हम चुनाव करेंगे करेंगे, तो हम लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं, बूथों पर नहीं जाएंगे। हमारे जुगुल जी ने कहा कि वो लोग प्रचार करेगा कि बटन दबाओगे तो उसमें कोरोना फैल जाएगा, वो डरवा रहे हैं, और डरवा करके जनता के वोटों का अपहरण करना ये चाहते हैं और बैकडोर से सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए उनके सामने चुनाव प्रधान है। हम लोगों ने कहा कि जब चुनाव होगा तो ये जो 6 महीनों से सारे स्कूल बंद पड़े हैं, हमारे गरीब पूर्वी लोगों के, किसान मजदूरों के बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बंद है, नीतीश जी तब स्कूल भी खुलवा दीजिए, बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई शुरू करवा देती है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे जब पढ़ने आएंगे एक जगह तो कोरोना फैल जाएगा। अब आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि इस विद्यालय में बच्चे और बच्चियां पढ़ने आएंगे तो कोरोना फैल जाएगा, और ये चुनाव कराएंगे लोग बूथों पर, हजारों लोग जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। ये सरकार को सत्ता और गद्दी से प्रेम है, सत्ता और गद्दी से प्रेम है, इसलिए वो चुनाव करा रही है। आपसे और आपके बच्चे और बच्चियों से प्रेम नहीं है, आपके बच्चे और बच्ची पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इससे सरकार को कोई जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी, ये फर्क है, और यही बात समझने की जरूरत है। अगर ये हम नहीं समझते हैं तो शायद हम फिर ठगे जाएंगे, फिर लूटे जाएंगे, फिर पीटे जाएंगे। भाई परमात्मा जी कह रहे थे कि कल एक सभा हुई, गहला और केंद्र सरकार के मंत्री और पूर्व भाजपा के बिहार का अध्यक्ष नित्यानंद राय थे,
पूरे जिले भर से लोगों को जुटाया गया था, पूरे जिले से गुठनी, दरौली, यांदा, रघुनाथपुर, तिवाम, सभी जगहों से उन लोग जुटाए थे। उनकी संख्या 400 से 500 हो गई थी। हर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो चुनाव हो रहा है और सभी लोग अपनी नीतियों को जनता के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं, अगर किए हैं तो अपने किए हुए कार्यों को लोगों के सामने रख रहे हैं और नहीं किए हैं तो भविष्य में करेंगे, इस सवाल को रख रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले दिन में, जैसे अभी यहाँ मंच पर आप सुन रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो इस तरह की बात हो रही है, लेकिन कल की सभा में भाजपा में नित्यानंद राय के देख रेख में जो यहाँ के उनके प्रत्याशी हैं रामायण माझी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ही अपील किया है लोगों से कि आप हमको वोट लीजिए, आप हमको जिताइए, हम सत्यदेव राम को फांसी पर चढ़ा देंगे, यही उनका नारा चल रहा। फिर अभी उनका चेहरा सामने आ गया, अभी एक चेहरा सामने आ गया कि चुनाव में जनता के सवालों पर हमको बात करनी है या कि किसी को फांसी पर चढ़ाने की। और कल वो जीत जाए तो फांसी पर चढ़ जाए, इतना ही के लिए वो चुनाव लड़ रहा। अब ये गरीब लोगों को, न्याय पसंद लोगों को, सभी लोगों को इस पर विचार करना है कि ये चुनाव में आप तय करेंगे एक वोट दे करके कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र में विकास के काम होगा, हमारे क्षेत्र के सवालों पर विधानसभा में आवाज उठेगा, मुख्यमंत्री को घेर करके अपने सवालों को समाधान कराने वाला व्यक्ति जाएगा या कि एक व्यक्ति जाएगा इस तरह के सवाल पर लड़ने वाले को फांसी चढ़ाने के लिए। चढ़ाने की बात थी, मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए तुम बोल सकते हो तुमने खुश किया है चिरमरवा में, नहीं तो लड़ाई नहीं होगी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। चिलमरवा के लोगों की राय थी कि हम बैठ करके बात कर लेंगे, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ में 3 जिलों से गुंडों को बुला करके और गरीबों को मारने का षड्यंत्र किए थे, साजिश किए थे कि हमारे पास इतने गुंडे हैं और हम उठेंगे गरीबों को उस तरह से मार देंगे कि फिर कहीं गरीब उठ खड़ा नहीं होगा, ये प्लानिंग थी। और जब मैदान में उतरे और गरीबों ने उन गुंडों को जब मार दिया तो आप कहते हैं कि सत्यदेव राम ने गोली चलाया, हम तो फिर ही नहीं, सच्चाई तो यही है। लेकिन हम गरीबों के समाज और गरीबों के सवाल पर बात करते हैं। वहां जो 35 बीघा जमीन थी गर्मजलुआ, हमने कहा था कि दलित अति पिछड़ा उस पर झुंपड़ी डाल सकता है, तो ये आज दौली विधानसभा में इसी सवाल पर चुनाव हो रहा है, उन्होंने इस सवाल पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह एक नहीं है, वह यहाँ फांसी चढ़ाने की बात करेंगे, वहां मॉब लिंचिंग करने की बात करेंगे, वहां संविधान को खत्म करने की काम करते हैं, वहां लोकतंत्र को खत्म करने की काम करते हैं, ये हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम करते हैं, ये आज भाजपा का यही मिशन रह गया है। इसलिए हम दरौली विधानसभा के, दरौली के तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप शांतिकामी लोग हैं और
द्रौली के द्रौली विधानसभा के विकास चाहते हैं, आप अपना संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको मार भगाना होगा और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना होगा, जहां नौजवानों के लिए रोजगार की घोषणा हो चुकी है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमने कहा है कि एनडीए हराओ, नया बिहार बनाओ। नया बिहार बनाने के लिए आपको उठ खड़ा होना होगा। बात बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप लोग हमारे जो नेता हैं उनकी बातों को आज सुने। हम आपके बीच गांव में आएंगे और आपको वहां सुनाएंगे। आपने मुझे जेल में रहते हुए प्रतिनिधि बनाया था और हमारा समय 2 साल जेलों में बीत गया, लेकिन हमने जेल से रहते हुए भी और जेल से निकल करके 2 सालों में इस सरौली में जो विकास के काम की शुरुआत हमने कर दी है, वह बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के विकास कभी हम लोगों ने नहीं देखा है, कभी हम लोगों ने नहीं सुना है, जो आज चल दौली विधानसभा में हो रहा है। मैं ये बात आपके सामने इसीलिए कह रहा हूँ, एक एक करके गिनाने से काफी समय लगेगा, लेकिन मैं विकास के गाड़ी को इस 2 साल में ही विकास के गाड़ी को पटरी पर चढ़ा दिया है और इसको स्टेशन पहुंचाने के लिए दौली के लोगों से फिर से हम एक समय की मांग कर रहे हैं, और ये समय मिल जाता है तो हम निश्चित रूप से दौली में विकास के विमर्श को बदल देंगे। हम ये आपको दौली में एक सड़क के लिए, एक नाला के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा। अब इस पर बात नहीं करनी होगी, अब जो बात होगी वह दरौली के इसे ऊपर उठ करके बात होगी कि दरौली में किसानों के कृषि के विकास के लिए हमें कौन सी परियोजना लगानी है, कहां लगानी है, कैसे लगानी है। इस सवाल पर हम चाहते हैं कि इस पर अब किसान मजदूर मिलकर के बहस करें, राजनीतिक बहस करें। हम इस चाहते हैं कि दरौली में यह बहस हो, इस दरौली में डिग्री कॉलेज से लेकर के पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले और इस सवाल पर लोग बहस करें और बात करें। हम इस बहस को ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए यह हम समय की मांग करते हैं। आप लोगों ने हमारे बहुत वक्ताओं से बातों को सुना है, हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। आप ये चुनाव हो रहा है, लोग एक प्रतिनिधि चुनेंगे, किस काम के लिए चुनेंगे? लोगों की तो यही इच्छा और अपेक्षाएं रहेगी कि हम प्रतिनिधि को चुनेंगे और वो प्रतिनिधि विधानसभा में जाएगा और दरौली विधानसभा के क्षेत्र के प्रश्नों को, किसान मजदूरों के प्रश्नों को, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे प्रश्नों को विधानसभा में उठाएगा और सरकार से जवाब तलब करेगा और इन समस्याओं के समाधान करेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दरौली में 5 बरस और गुठनी में 10 बरस जिन लोगों ने रहा है, एक शब्द विधानसभा में बोलने का काम नहीं किया है, लेकिन आपने हमें ये समर्थन दे करके भेजा था। जेल में रहने के बावजूद हमने विधानसभा में आपके प्रश्नों पर, सारे प्रश्नों पर, शिक्षक लोगों के प्रश्नों पर हमने नीतीश कुमार से दो हाथ धरने का काम किया है। हमने उनसे चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार जी, ये शिक्षकों के सवाल का समाधान नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ बिहार में वैसा आंदोलन शुरू करेंगे, वो आंदोलन आपको बंगाल के खाड़ी में भेज देगा। जब शिक्षकों के सवाल पर हम बोल रहे थे, हमने इस बात की घोषणा की कि इस बार सारे शिक्षक मिलकर के आपको बिहार के खाड़ी में भेजेगा। हमने आशा कर्मियों के लिए बिहार विधानसभा में संघर्ष करके और हमने उनका मानदेय को बढ़ाया है। हमने